हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईबीडी को, एमरजेंसी स्केप ब्रीदिंग डिवाइस इसका नाम है, इसका क्या यूज़ रहता है। सो गाइस, इन दैट केस अगर कोई भी एमरजेंसी होती है, चाहे वो किसी गैस प्लांट में हो या किसी केमिकल प्लांट में हो या किसी वेस्टर पे हो, सो आप इस ईबीडी को यूज़ करके इजीली एक अनसेफ प्लेस से एक सेफ प्लेस में आ सकते हैं। और इसका टाइम ड्यूरेशन 8 से 10 मिनट का रहता है। अभी हम अलंग फोर्ट पे, जहाँ पर आपको पता है अलंग फोर्ट फेमस है वेसल को डिमोलिशन करने के लिए, वेसल को स्क्रैप करने के लिए। सो अभी आगे वीडियो में हमारे साथ आएंगे मिस्टर सचिन पांडे सर, जो कि जीएमबी के सेफ्टी ऑफिसर है, एंड वो अभी यहाँ पर आएंगे, वेसल पर विजिट करेंगे और वो जो अलंग पर अनएजुकेटेड वर्कर्स हैं, अभी उनको बताएंगे कि एक ईजी वे में कैसे ईबीडी का यूज़ करना है। सो गाइस, वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। जहाज के अंदर आपको इंजन रूम में, पंप रूम में, सब जगह दिखाई देती है कि नहीं देखा दिखाई देती टंगी हुई, बराबर। ये आप जानते हो क्या चीज़ होती है? नहीं पता आपको? ये ईबीडी है, इमरजेंसी में आप इसको यूज़ कर सकते हो, बराबर। इमरजेंसी, देखो ये लिखा हुआ है ईबीडी, इमरजेंसी एस्केप ब्रीदिंग डिवाइस, मतलब इमरजेंसी में भागने की, आपकी जहाँ आप श्वास ले सको और बाहर आ जाओ, ऐसी मशीन है। लेकिन ये अगर आपको, आपके पास है, आप फंसे हुए हो लेकिन आपको ये पहनते ही नहीं आती है, तो कोई मतलब नहीं, कोई पहनते नहीं आता तो इसका कोई मतलब नहीं। तो आज जितने लोग हैं अभी यहाँ, सभी लोग ये कैसे पहनते हैं ये आप लोग सीख के जाओगे। और इसके अलावा जांच की कटिंग जब चालू होगी तो और लोग भी आएंगे, तो आप उनको भी सिखाना। हर बार तो मैं नहीं आ पाऊँगा सिखाने के लिए, लेकिन मैं इनको भी बोल के जाऊँगा, इनको भी बोल के जाऊँगा, और इनको भी सिखा रहा हूँ तो इनको ही बोलूँगा, आप सभी सिखाना, हर आदमी तक जान बचा लो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे यूज़ करते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये डब्बे में पैक रहती है, ठीक। इसको खोलना बहुत आसान है, और ये डब्बा अलग हो जाएगा और ये मशीन अलग हो जाएगी। दिखाई दी आपको ये मशीन कितनी छोटी सी है ना। डब्बा हमने साइड में कर दिया अभी फिलहाल के लिए, मशीन को ले लिया। अभी मशीन कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताता हूँ। ये मेरे साथ रहेंगे, इनको मैं पहनाऊंगा, इनको सिखाऊंगा और आप लोग देखेंगे। उसके बाद एक दो आदमी और आएंगे। चलिए, हेलमेट दीजिए पहला, गुड। अगर है तो थूक दीजिए। कोई चीज़ मुंह के अंदर नहीं होनी चाहिए, वरना ये किसी काम की नहीं है, वरना ये आपको बचाएगी नहीं, आपको तकलीफ में डाल देगी, क्योंकि इसमें फिल्टर होता है, आपका जो है ना गुटखा वो जाके फंस जाएगा, उसमें सांस नहीं ले पाओगे, ठीक है। अब देखिए आप इसको कैसे पहनते हैं। ये ईबीडी है, सबसे पहले इसको खोलना है। देखो ये पैक है, दिख रही है आपको, ये देखिए आप पट्टी दिख रही है, ये पैक है, मतलब कि इसका उपयोग नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ये खुल गई होगी तो किसी ने इसका उपयोग किया होगा, तब हम ये मान लेंगे कि इसमें से गैस ख़त्म हो गई है और ये हमको नुकसान कर सकती है, हमारा अंदाज़ा लगाने में कि हम 5 मिनट के लिए जाएं कि 10 मिनट के लिए जाएं। लेकिन अब ये पैक है, इसका मतलब कि इसको किसी ने उपयोग में नहीं लिया है, इसको हम आराम से उपयोग में ले सकते हैं, ठीक। इसको खोलते कैसे हैं आप देखो, एक लाल कलर की पट्टी दिख रही है यहाँ पे, हाँ, एक पीले कलर की पट्टी दिख रही है, लाल और पीले के बीच में सिर्फ अंगूठा ऐसे हल्का सा फंसाना है, देखो ऐसे हल्का सा, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, हथौड़ी छीनी नहीं लानी है खोलने के लिए, हल्का सा खाली, खुल गई, बराबर। कितने आसानी से खुल गया। खुलने के बाद इसको देखो, ऊपर एक सफ़ेद कलर का ढक्कन है, ये निकाल के हमने अलग कर दिया, अब ये खुल गया, देखो आप देखा। अब इसके अंदर से एक पीले कलर की पट्टी निकली हमारे पास, देखो आप ध्यान से देखते रहना इसे। अब ये देखो नीचे भी एक प्लास्टिक दिख रहा है, दिख रहा है सफ़ेद वाला, अब ये लटक रहा है, किसी तार से बंधा हुआ है, ठीक। अब ये तार से बंधा हुआ है, इसको खास ध्यान रखना है कि जैसे ही इसको हम खींचेंगे गैस यूज़ के लिए रेडी हो जाएगा, ये अभी ब्लॉक है, इसको खींचेंगे जब ऐसे तार, तो ये खुल जाएगा और ये इसमें जो गैस है, इसमें गैस है ऑक्सीजन, ये छोटा वाला जो सिलेंडर है ना, इसी के अंदर है, ठीक। तो ये रेडी हो जाएगा उपयोग करने के लिए, ठीक। देखो मैं सबके सामने खोल रहा हूँ इसको, देखना अलग हो गया, अब ये पूरा खुल गया उपयोग करने के लिए, देखो आप, ठीक है। काले कलर की पन्नी है, देख लो इसमें क्या क्या होना चाहिए, पहले काले कलर की पन्नी,
नारंगी कलर का उसके अंदर फीता होना चाहिए, ये वाला, ठीक। पीले कलर की पट्टी होनी चाहिए, ये पीले कलर का दांत जैसा बना हुआ भाग होना चाहिए, प्लास्टिक की पन्नी होनी चाहिए, एक क्लिप होनी चाहिए ऐसे पीले कलर की, काले दोरे में बंधी हुई, ठीक। उसके बाद देखना है हमको इसमें तारीख लिखी होती है कब तक चलेगा। देखो इसमें दिखा है 5/2008 में बना है और 5/2023 में ख़त्म हो जाएगा। अभी कौन सा चल रहा है, 22, पहला महीना है, मतलब अभी ये ओके है, ठीक है। आप ये देख लिया हमने, सब ओके हो गया। वैसे ये चीज़ ये देख के ही रखेंगे अंदर, एक्सपायर वाला आपके पास नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उतावल में आप ये देखने के लिए आपको नहीं याद रहा, तो ये चीज़ जो ऊपर रहेगी वो सब ठीक रहेगी, तभी यहाँ रहेगी, समझ में आ गया। उसके बाद ये सफ़ेद सिलेंडर, मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, मतलब ये फुल फिट है, अगर कोई चीज़ इसमें नहीं है मतलब ये डिफेक्टिव पीस है। ये पीस जो अभी हमारे पास है जो हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे, ये पीस बिल्कुल ठीक है, डिफेक्टिव नहीं है। अब शुरू करते हैं इसको कैसे उपयोग में लेना है, ठीक है भाई। इधर मुँह करके खड़ा हो जाए, पहले इसको गले में पहन। 2 मिनट, एक चीज़ रह गई बतानी आपको, इसमें एक कांटा होता है, ठीक है, देखो एक कांटा होता है, वो कांटा हरे कलर वाले लाइन में होना चाहिए। हरे कलर का मतलब क्या होता है, सुरक्षा, ठीक है, ओके। लाल पे आ गया मतलब खतरा, लाल पे नहीं है ये, हरे पे है मतलब ठीक। अच्छा आप पहन लो इसको। ये खास ध्यान रखना है कि ये जो दांत वाला भाग है ना, ये अपने छाती की तरफ होना चाहिए, ठीक है, तब इसको ऐसे पहनना है। चलो बस एक एक स्टेप, हाँ देख लिया, ये गले में पहनना है। गले में क्यों पहनना है इसको, क्योंकि इसके दोनों हाथ है ना ये वाले, फ्री होने चाहिए। पाइप पकड़नी है, सीढ़ी पकड़नी है, दोरी पकड़नी है, कुछ भी पकड़ के ये बाहर आ सके। गले में है तो इसकी चिंता नहीं है, गिर जाएगा, ठीक। तो ये अपना हाथ से कुछ भी कर सकता है, इसका हाथ फ्री है, समझ में आ गया सभी को, यहाँ तक सब ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। जो छोड़ेंगे वो इसमें जमा होगी और ये फूलता जाएगा, ठीक है। इसकी कैपेसिटी होती है, इसलिए बोलते हैं ये 5 से 10 मिनट काम करता है, हमारी साइज़ के हिसाब से है। किसी का फेफड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, किसी को 9 मिनट चलेगा, किसी को 5 मिनट, किसी को 7 मिनट, ठीक है ना। लेकिन 5-7 मिनट तो सब में चलेगा, जानता हूँ, बचा ही लेंगे, बाहर तो आ ही जाएंगे इंजन रूम से। अब हो गया, चलो ठीक है, अब देखते हैं। अब ये जो चीज़ है दांत वाली, ये दांत से पकड़ना है इसको, मुंह में क्या करना है, दांत से मुंह में पकड़ना है। अब भाई पकड़ो इसको दांत में, जैसे सेव काटते हैं ना ऐसे, वैसे इसको पकड़ो दांत में, ऊपर नीचे, वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसा पकड़ना है, 2 मिनट साइड, ऐसा पकड़ना है। देखो, देख लिया आपने, अब मुंह से सांस लो, हवा आ रही है, हवा आ रही है, देखो आ रहा है, ठीक है। पहले इसको हवा लेके देखना है कि हम फिट तो महसूस कर रहे हैं ना, अगर ठीक लगे तो ही हम इसकी नाक बंद करेंगे, ठीक है, कंफर्टेबल हो, अगर तकलीफ हो तो बता देना, ठीक है। अब हम इसकी नाक बंद कर देंगे, ये देखो, ये जो पोर्शन है वो थोड़ा सा फैलाना है और नाक बंद कर देंगे। अब मुंह से सांस लेना और मुंह से ही छोड़ना, मुंह से सांस लेना है और मुंह से ही छोड़ना है, घबराहट नहीं हो रही है ना भाई, मुंह से लेना है और मुंह से छोड़ना है। अब थोड़ी देर में आप देखेंगे ये फूलने लगेगा, क्यों, कि अब ये नाक से हवा नहीं ले रहे, मुंह से ले रहे हैं और मुंह से ही छोड़ रहे हैं, नाक का उपयोग बिल्कुल नहीं हो रहा है और मुंह वही खींच रहा है जो इसमें से हवा आ रही है, मतलब ताज़ी हवा, बाहर जहरीली हवा है, गर्म हवा है, कोई मतलब नहीं उसको, आदमी सुरक्षित है। देखा आपने, इस तरह से इसको पहन लेना है। अब उसके बाद क्या है, कभी धुआं लगेगा, आंखों में जलन होगी, आंखों से पानी गिरेगा, तो इसको भी बचाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो पन्नी है, देख लो आप, देखा आपने, अब ये आदमी रेडी है, देखो फूलने लगा, दिख रहा है आपको, अभी थोड़ा थोड़ा फूल रहा है, अभी ये देखो इनको, अभी ये इसमें से हवा खींच रहे हैं, इसमें हवा छोड़ रहे हैं, चेहरा ढका हुआ है, आंख ढकी हुई है,
बिल्कुल सेफ है, अब ये भाग सकते हैं, कुछ भी पकड़ सकते हैं। ठीक, समझ में आया सभी को? हाँ।